नमस्कार। आज हम अग्नि और स्वाहा ध्यान करेंगे। अग्नि का धर्म है भस्म करना और दाह उत्पन्न करना। अग्नि प्रतीक है शुद्धि और पवित्रता का, किंतु अग्नि की पूर्णता स्वाहा के साथ जुड़ी है। स्वाहा शब्द सुनते ही मन में यज्ञ में आहुति देते समय हर मंत्र की समाप्ति पर स्वाहा यही शब्द ही गूंजता सुनाई देता है। स्वाहा जिसका अर्थ होता है सही रीति से पहुंचाना। ऋग्वैदिक काल में मनुष्यों और देवताओं के बीच माध्यम के रूप में अग्नि का चुनाव किया गया था और इसके पीछे कारण था कि अग्नि में जो कुछ भी होम किया जाता है वह सब पवित्र हो जाता है। अग्नि में समर्पित करने से देवताओं को दी जाने वाली सभी वस्तुएं उन तक पहुंच जाती है, लेकिन देवता हवन ग्रहण तभी कर सकते हैं जब अग्नि द्वारा स्वाहा के माध्यम से हवन अर्पण किया जाए। शास्त्र अनुसार देवी स्वाहा का विवाह अग्नि देव के साथ संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवी स्वाहा को ये वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से देवता हविष्य को ग्रहण कर पाएंगे। अग्नि अपनी पत्नी स्वाहा द्वारा ही सामग्री ग्रहण करते हैं, इसीलिए यज्ञवेदी में हवि डालने के दौरान हर मंत्र के बाद स्वाहा का उच्चारण होता है। तो चलिए ध्यान का अभ्यास शुरू करें। सबसे पहले स्वयं के मणिपुर चक्र यानि सोलर प्लेक्स के स्थान पर एक मानस यज्ञवेदी की स्थापना करें। अब यज्ञवेदी में समित एवं घी की मदद से अग्नि प्रज्वलित करें। जब अग्नि प्रकट हो जाए तो अपने इष्ट देव या आराध्य देवी का स्मरण करें। अब अपने हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के प्रथम हिस्से पर स्पर्श कराते हुए मृगी मुद्रा बनाकर अपने जीवन में शांति समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हुए मानस यज्ञ में सामग्री की आहुति देना शुरू करें। आहुति देने से यहाँ तात्पर्य है कि किसी प्रकार की बीमारी से हम उबरना चाहते हैं या किसी बीमारी या रोग से निजात पाना चाहते हैं, किसी रोग से रक्षण पाना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हो तो आज इस मानस यज्ञ के अग्नि में आहुति स्वरूप उस प्रार्थना को उन कामनाओं को स्वयं के भीतर के प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा देवी का आवाहन करते हुए समर्पित करें। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मन को अब आज्ञा चक्र पर ले जाएं।
और स्वयं से कहे, मैं स्वयं में पवित्र अग्नि हूँ। और जैसे पवित्रता और शुद्धि ईश्वर चाहते हैं, वही शुद्धि और पवित्रता मैं हूँ। मैं ईश्वरीय दिव्य अग्नि से युक्त हूँ। मैं सर्वज्ञाता परम परमेश्वर की इच्छा हूँ। मेरा शरीर और मेरे शरीर का स्वास्थ्य दिव्य पवित्र अग्नि युक्त है। मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य सर्वज्ञाता ईश्वर की इच्छा है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मेरा तंदुरुस्त निरोगी शरीर पवित्र अग्नि स्थान है। और जैसी पवित्रता और शुद्धि ईश्वर चाहते हैं, वही शुद्धि और पवित्रता मेरा तंदुरुस्त निरोगी शरीर है। मेरा तंदुरुस्त निरोगी शरीर सर्वज्ञाता ईश्वर की इच्छा है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वयं के भीतर मानस पर प्रज्वलित अग्नि की अनुभूति करें। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा का आवाहन करते हुए अग्नि तथा स्वाहा का धन्यवाद करें, जिनके माध्यम से हम अपने इष्ट आराध्य देवी देवता से जुड़ सके और अपनी प्रार्थनाओं को उन तक पहुंचा सके। अब कुछ समय सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अनुभव करें हर उच्छ्वास के साथ मानस यज्ञ वेदी की प्रज्वलित अग्नि का शमन हो रहा है। धीरे धीरे अग्नि की उष्मा बाहर निकलती जा रही है। अब अग्नि का पूर्ण रूप से शमन हो चुका है। वातावरण में केवल यज्ञ पश्चात की खुशबू अनुभव हो रही है। जब आप बिल्कुल ही भीतर से शांत और संतुलित अनुभव करें, सामान्य अनुभव करें, तब आप अपनी आँखों को खोल सकते हैं।